परफेक्ट टाइम में आपका स्वागत है। मैं प्रीति शर्मा, आपको डेरा सच्चा सौदा के अंदर की तस्वीर दिखा रहे हैं। क्या रियलिटी है डेरा सच्चा सौदा की, ये जानने के लिए हम सीधी लोगों से आपको बात करवा रहे हैं। अभी हम पहुंचे हैं डेरा सच्चा सौदा के अंदर, जो रक्तदान शिविर लगा हुआ है। बात करते हैं कि कितने किलो आज आ रहे हैं यहाँ पर, किस तरह से आ रहे हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम है सर। यहाँ पे जो आज रक्तदान शिविर में आप आए हो, किस पर्पज से आए? यहाँ पे आगे दिल को सुकून मिलता है, शांति मिलती है और ये एक अच्छा लगता है, क्योंकि सबसे सुरक्षित जो जगह है वो डेरा सच्चा सौदा में ही हम महसूस करते हैं। खूनदान करने आए हो सर? खूनदान मैं करूंगा आज, अभी मैं खूनदान करने के लिए आया हूँ। पहले कितनी बार आपने खूनदान किया? मैंने दो बार खूनदान कर चुका है, एक बार सिरसा में किया है और एक अपना ब्लॉक पे किया है। आपको इस तरह से खूनदान करने की सोच किस तरह से आती है? क्योंकि जब हम खूनदान करते हैं तो हमारे अंदर एक जागरूकता पैदा होती है, हमारे खून से, हमारे रक्त से किसी की जान बच जाए, किसी का अच्छा हो जाए, भला हो जाए, तो इसलिए खूनदान करना मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है। शिक्षा किसने दी आपको ये? शिक्षा गुरुजी ने, जो हमारे डॉक्टर संत MSG हैं, उन्होंने हमें शिक्षा दी है कि खूनदान करो, अच्छे नेक कर्म करो। और किस तरह के कार्य हैं जो सेंटर को गुरमीत राम रिम सिंह जिनसा ने आपको सुना? और जैसे हमारे गुरुजी की जो प्रेरणा है वो आदमी को इंसान से जोड़ो, इंसान सभी हम लोग एक ही मालिक की औलाद है, और अच्छे प्रेरणा के कार्य गुरुजी ने हमें 135-138 मानवता भलाई के कार्य किए जा रहे हैं डेरा सच्चा सौदा से। एक तरफ आप उनके मानवता भलाई के कार्य बता रहे हैं, दूसरी तरफ उनके बारे में कुछ अलग भी दिखाया गया, उसके बारे में आपका क्या? वो बिल्कुल झूठ है, ये मीडिया का बनाया हुआ खेल है सब। और जो भी है, हमारे गुरुजी एक दिन, हमें पूरा विश्वास है, पूरी सृष्टि के सामने आएगा ये सच जो है, वो पूरी सृष्टि के सामने आएगा निकल के कि हमारे गुरुजी निर्दोष है और वो जो है बहुत बड़ी साजिश के थ्रू फंसाए गए हैं। और ये जो था, पहले से साजिश रच ली गई थी, 2 साल पहले से काम चल रहा था, लेकिन वो एक चमकते सूरज की तरह बाहर आएंगे। मानो क्या समाज को जरूरत है? हाँ बिल्कुल, समाज को जरूरत है। जब से वो गए हैं, उनके जाने से बहुत नशे और ये बुराइयाँ फैल गई हैं उनके, बहुत बहुत भी, आज जैसे आदमी को सांसों की जरूरत है, ऐसे हमारे गुरुजी की हमें जरूरत है, हमारी सृष्टि को जरूरत है। सरकार से क्या अपील करूँ? सरकार से मैं यही अपील करूँगा कि आपने जो भी किया है वो एक शीशे की तरह आप आईने में देखो तो आपको भी नजर आएगा कि यहाँ सच कहाँ पे है। थैंक यू सो मच। ये लोग हैं जो सिर्फ सेंटर गुरमीत राम रिम सिंह जिनसा की प्रेरणा की वजह से आज रक्तदान करने पहुंचे हुए हैं। ऐसा जज्बा, ऐसी सोच जो करोड़ों लोगों के अंदर डेरा सच्चा सौदा सेंटर गुरमीत राम रिम सिंह जिनसा ने भरी है, ये रियल फैक्ट जो हम डायरेक्ट लोगों के बीच में पहुंचकर आपको दिखा रहे हैं। आपकी क्या राय जरूर डालिए कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए द फैक्ट टाइम, सच का साथ देने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।